आज हम बनाएंगे केरला स्टाइल में पके हुए आम की करी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आज हम इसको बहुत ही सिंपल वे में और आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग जार के अंदर कच्चा नारियल लेंगे, उसके अंदर छोटे वाले 3-4 प्याज डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा दही डालेंगे। दही के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। इसको हमें दरदरा नहीं रखना है, इसको अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद इसको हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वैसे तो ये डिश ट्रेडिशनली मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा हेल्थी ऑप्शन है, कास्ट आयरन कुकवेयर। आजकल के डॉक्टर भी कास्ट आयरन कुकवेयर को सजेस्ट करते हैं, तो इसीलिए आज हम यूज़ करेंगे ये द इंडस वैली ब्रांड का कास्ट आयरन कढ़ाई। ये प्री सीजनड है और 100% टॉक्सिन फ्री और केमिकल फ्री है और लॉन्ग लास्टिंग है, और इसका इनर सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है जिससे ये नेचुरली नॉन स्टिक भी है। इस प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप मेरा कूपन यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद हम छिले हुए आम को कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे और उसके अंदर ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे। पानी हमें इतना ऐड करना है जिससे आम जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4-5 हरी मिर्च कटी हुई और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको ढक के 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट पकाने के बाद हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसको इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़ यानी जैगरी और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढक के और 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। दस मिनट पकाने के बाद ये हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट बन के रेडी है, लेकिन अभी जो इसका इस रेसिपी का मेन पार्ट है वो बाकी है। इसके ऊपर तड़का लगाए बिना ये रेसिपी अधूरी है, तो चलिए हम तड़के की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर नॉर्मल तेल ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे मेथी दाना, राई, लाल सूखी मिर्ची और हींग और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तड़का हमारा तैयार हो चुका है, अब हम जो तड़का बनाया था उसको करी के ऊपर डाल के और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ऑथेंटिक केरला स्टाइल पके हुए आम की कढ़ी बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। हेल्थी कुकवेयर परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से द इंडस वैली की वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। इनके पास आयरन, कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील में बहुत सारी हेल्थी कुकवेयर की वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।